अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी के तराने। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मज़े में होंगे। वैसे आज मिसबा और मुज़म्मिल भी काफ़ी मज़े में है, इसकी वजह मैं आपको आगे बताऊँगी, एंड तक बने रहिए। तो चलिए पहले मैं शुरू करती हूँ हमारे वैक्सीन के सेकेंड डोज से। हम जा रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल। एक्चुअल में हमारा सेकेंड डोज लास्ट मंथ में ही हो जाना था, लेकिन हमारे वेकेशन और घर में वायरल फीवर आने से डिले हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा हो गया और हमारे घर में सभी वैक्सीनेटेड है। अच्छा, वैक्सीन के बाद हम जा रहे हैं लंच के लिए। अब हम आए हैं कुंडापुर सुब्बैया गारी होटल। यहाँ पे हमें प्योर वेज मिलेगा। काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे थे यहाँ पर आने की, फाइनली आज आ ही गए। वन मंथ बैक कुकटपल्ली ब्रांच में गए थे, वहाँ पे पार्किंग का इश्यू था तो रिटर्न आ गए, और हमारे लोकेशन पे फूड डिलीवरी ऐप भी ट्रैक नहीं हो रहा था इस होटल से। तो चलिए हम एंटर्ड हो रहे हैं होटल के अंदर। यहाँ अंदर आने के बाद काउंटर में हमने फैमिली मेंबर्स के मुताबिक टेबल बुक किया। पर थाली यानी प्लेट विद आइटम्स 300 चार्ज करेंगे और 20 मिनट का वेटिंग पीरियड था। हमारा टोकन नंबर था 115। थोड़ी देर के लिए हम लॉबी में बैठ गए। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे एंट्रेंस डोर है, उसके ऊपर डिजिटल स्क्रीन में टोकन नंबर डिस्प्ले होगा और उसके मुताबिक हमें अंदर जाना है अपने टेबल पे। हम आ गए हैं टेबल पे। यहाँ पे बनाना लीव्स पे हमें फूड सर्व किया जाएगा। इन बनाना लीव्स को देखकर मिसबा और मुज़म्मिल थोड़े बहुत हैरान हो गए। उन्हें नहीं पता था कि बनाना लीव्स में भी खाना सर्व किया जा सकता है। ये उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। खैर, बच्चे भी जान जाएंगे आगे जाकर और भी रेस्टोरेंट्स में घूमेंगे या तो फिर इस तरह का ट्रेडिशन देखेंगे तो समझ जाएंगे इंशाल्लाह। वेटर ने पहले सर्व किया स्वीट्स से केसरी बात और फिर नीति बुरा। ये तेलुगु में बोला जा रहा है, अगर हमारी लैंग्वेज में बोलेंगे तो शायद इसको घी वड़ा या तो पता नहीं कुछ और, आप जो भी नाम रख लें। उसके बाद कैबेज फ्राई, बीन्स फ्राई, टमाटो काजू करी, लेमन राइस, वेज बिरयानी रायता, कंदा फ्राई, रोटी, गुलाब जामुन, पुनकुल करी, मटर करी, दाल राइस, करी पत्ता पाउडर, फिर कंदी पप्पू पाउडर, मैंगो पिकल, बैगन चटनी, बघारा दही, प्लेन कर्ड, बटर मिल्क, बहुत सारे आइटम्स, पूरे 25 आइटम्स शायद एक थाली में आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर खाया। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये जो नेति बुरा है उसके अंदर घी डाला जा रहा है, शायद इसीलिए इसका नाम कुछ इस तरह से है। इसको इसी तरह से खाया जाता है घी डाल के। टेस्ट में काफ़ी अच्छा था, ये बहुत पसंद आया सबको। इनके रेस्टोरेंट्स में एक बात अच्छी लगती है, वो है वेटर जो है खूब खातिरदारी करता है। पूरी थाली और पूरे आइटम्स टेस्ट करने तक नहीं छोड़ेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह सा फुल मील हो गया आज हमारा। और काफ़ी नाम मुझे समझ में भी नहीं आ रहे थे, थोड़े मैंने तेलुगु में यूज़ किए हैं, आप समझ लीजिएगा। लास्ट में पान भी सर्व किया गया था। उसके बाद हम जा रहे हैं बच्चों को गिफ्ट्स लेने के लिए। गिफ्ट्स क्योंकि आज मुजामिल का बर्थडे है, यही वो वजह है जो मैंने शुरू में आपको बताई थी। इसी वजह से हम लोग जा रहे हैं हिमालय स्टोर और वहाँ से हम बच्चों को ख़रीदेंगे कुछ गिफ्ट्स। वैसे तो हम सेलिब्रेट नहीं करते, बस बच्चों की खुशी के लिए उन्हें गिफ्ट्स दे देते हैं और उन्हें स्पेशल फील कराने के लिए, क्योंकि मिसबा को मालूम है बर्थडे किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। काफ़ी बर्थडे पार्टीज में अटेंड भी था वो मिसबा, तो उसको मालूम है। और वही मुजामिल को भी उकसाता रहता है कि बर्थडे में इस तरह से किया जाता है, पार्टी होती है, केक काटते हैं, फ्रेंड्स को बुलाया जाता है। खैर, हमें सब कुछ नहीं करेंगे, बस बच्चों की खुशी के लिए उन्हें कुछ गिफ्ट दे देंगे और केक काट लेंगे इंशाल्लाह। तो हम यहाँ हिमालय स्टोर आए हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे बच्चों की एक्टिविटी के मुताबिक कुछ मटेरियल लेना है और टॉयज़ भी मिल जाएंगे। मिसबा को काफ़ी टाइम लगा चूज़ करने में, मुजामिल ने अपना गिफ्ट चूज़ कर लिया। उसने एक बड़ी सी ट्रक उठा ली है। मिसबा को पहले मॉन्स्टर कार पसंद आई, फिर उसने उसको स्किप करके कन्वर्टेबल बैटमैन चूज़ किया, उसने उसको भी स्किप कर दिया और कहा कि चलो ऑनलाइन में ख़रीदेंगे। तो हम वहाँ से निकल गए और घर आ गए। घर आने के बाद बच्चे फ्रेश हो गए, के बाद मुजामिल उसकी ट्रक से खेलने लगा। हॉट व्हील्स वाली बड़ी सी लोडिंग ट्रक ली थी हमने। चाकू लो, दो जने पकड़ो को, दो जने, दो जने, दो जने। यस, ओके। हैप्पी बर्थडे मुजम्मिल, हैप्पी बर्थडे मुजम्मिल, हैप्पी बर्थडे मुजम्मिल। ओके, खिलाओ मिसबा, मिसबा खिलाओ मुजम्मिल को, खिलाओ पीस। अब फाइनली बारी आती है केक की, मुजम्मिल का फेवरेट चॉकलेट केक। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स। मुजम्मिल